सीधी जिले के रामपुर नैकिन में बिजली अनियमितता का मामला एक बार फिर सामने आया है। आपको बता दें कि रामपुर नैकिन में लगभग एक महीने पहले भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा कनिष्ठिक यंत्री विकास वर्मा के अड़ियल रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था, जिसमें प्रदर्शन के दिन से ही बिजली कटौती एवं सिंगल फेसिंग में सुधार हुआ था। किसानों ने संगठन के द्वारा किए गए समाज हित में किए गए कार्यों की सराहना वीडियो जारी कर की थी, परंतु अब एक महीने बाद फिर से रामपुर नैकिन में बिजली कटौती का आदेश देकर वर्तमान सरकार की दोहरी मानसिकता जाहिर होती है। पहले तो 24 घंटे में दो चार घंटे मात्र लाइट रहती थी। आप कितने घंटे रहने? अब तो 10-12 घंटे तो रहती है। अभी कुछ जाती है कि? जाती है लाइट। स्थितियां पूरी तरह से ठीक नहीं हुई? स्थिति पूरी तरह पहले से ठीक नहीं हुई है। मिनिस्ट्री आई, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब से प्रदर्शन किए तब से सुधार हुआ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप द्विवेदी है। कहाँ से हैं? नौजिया कदमार। धन्यवाद। बिजली समस्या की दिनों दिन समस्या बढ़ती जा रही, जिसमें से कुछ हम लोगों ने संगठन के माध्यम से हम लोगों ने कुछ प्रदर्शन किए थे, आवाज उठाई थी बिजली अनियमितता को, सिंगल फेसिंग का एक विरोध किया था कनिष्क यंत्री का, जिसमें ये भी मालूम पड़ा है कि जेई ने मतलब कोई ऑर्डर ना होते हुए भी सिंगल फेसिंग का जरिया बनाया और खुद चोरी किया, ये बात सामने आ गई। फिर इसके बाद जैसे ही प्रदर्शन हुआ उसी के एक दिन दो दिन बाद तुरंत सुधार हुआ उसमें, लेकिन बिजली की जो बिजली बिल की बेतहाशा वृद्धि है वो किसानों को, व्यापारियों को, कहीं ना कहीं हर वर्ग को परेशान कर। आज कोरोना काल में बिजली बिल की बेतहाशा वृद्धि किसान, व्यापारियों एवं समाज के हर व्यक्ति को बेहाल कर रही है। ऐसे कई बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें बतौर प्रमाण सामने आई हैं कि एक ही व्यक्ति के नाम से बिजली विभाग दो अलग अलग बिजली बिल जारी करता है। ऐसी कई अनियमितताएं हैं जिससे बिजली उपभोक्ता इस अतिरिक्त भार को चुकाने में असमर्थ महसूस कर रहा है और सहमा हुआ है। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, यूथ कांग्रेस से। पिछले कुछ दिनों हमारे गृह जिले सीधी के अंतर्गत रामपुर नैकिन ब्लॉक में अघोषित कटौती की जा रही थी, जिससे आम जनता और किसान बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए युवा कांग्रेस, साथ ही NSUI की पूरी टीम, उसमें प्रदेश सचिव विनय सिंह परिहार जी के नेतृत्व में एक प्रदर्शन किया गया था, और मुझे लगता है उस प्रदर्शन का असर प्रशासन में पड़ा है और बिजली जो कटौती की जा रही थी उस पर सुधार भी देखने को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि NSUI की पूरी टीम ऐसे ही जो प्रदेश सरकार की नीतियों पर ध्यान रखेगी। बिजली समस्या 10-15 दिन पहले ऐसी थी कि दिन में तो पता नहीं अपनी मर्जी से काटता था, दिन में हम लोगों को देता था, रात में काट देता था, दिन में फिर मेंटेनेंस हो जाता था, 2-4 घंटे मिलते थे तो हम लोगों को धान लगाने में बहुत दिक्कत हुई। फिर इसके बाद ये कुछ छात्र संगठन जो हैं तो फिर कुछ प्रदर्शन जब प्रदर्शन वगैरह किए तो जाके अभी इस समय ठीक है, पहले तो इसने बहुत परेशान किया। अच्छा,